कश्मीर की जो हालात थे शायद सबको पता ही है। मुझे याद है जब सब ने यहाँ पे सबसे पहले आए थे, उसके 2-3 महीने बाद मैं मिलने आया था, तो कश्मीर में कहीं नेशनल फ्लैग नहीं दिखाई देता था। सब जगह जाने में एक डर महसूस होता था। और अब मैं कुछ 4 महीने पहले 5 महीने पहले अमरनाथ यात्रा के लिए आया, तो डल लेक के पास जो रोड है उसके ऊपर हॉप ऑन हॉप ऑफ बसेस चल रही थी, 10 बजे तक सब नाइट लाइफ चल रही थी। और सोनमर्ग जैसी जगहों पे हमारे तिरंगा पूरी तरह अच्छे से लहराया जा रहा था। और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और इन्वेस्टमेंट्स, आई थिंक ये सब काम बिल्कुल एब्सोल्युटली अद्वितीय हैं। और उससे भी बड़ी बात ये है कि जम्मू कश्मीर, स्पेशली कश्मीर, नेशनल मेन स्ट्रीम से जुड़ गया है। जो एक अलग बात है वो ये है कि भारतीय संस्कृति और भारतीय मूलता और हमारे सनातन के मूल्य विचारों को पिरोया जाता है। और एजुकेशन में मुझे ऐसा लगता है कि इस सब काम को करने की बहुत ज़रूरत है। हमारी जनरेशन में मुझे ऐसा लगा कि ये चीज़ें थोड़ी पीछे हट गई थी। हमारा एजुकेशन और हमारा कल्चर और हमारा जो भारतीय मूल था उसमें आपस में कोई समन्वय नहीं था। हम इंग्लिश पढ़ रहे थे, हम मैथ्स पढ़ रहे थे, हम साइंस पढ़ रहे थे, लेकिन हम जीवन के मूल्यों को कहीं शायद उतनी भारतीयता से नहीं जोड़ पा रहे थे, सनातन से नहीं जोड़ पा रहे थे। मुझे ऐसी आशा है कि आगे जितने स्कूल होंगे, मैं अंकुश जी से भी बात कर रहा था तो कह रहे थे कि हम अपने स्कूल में कोशिश करेंगे कि भारतीय मूल्यों का और सनातन मूल्यों का समन्वेश करें, क्योंकि सनातन मूल्यों में जो हमारा एक बेसिक मूल है कि हम औरों के लिए जीते हैं, औरों के लिए जीना, ये जो कुछ बहुत बेसिक चीज़ें हैं, ये जीवन को संवारने में, जीवन की शैली को बदलने में, आपके सारे व्यक्तित्व को बदलने में बहुत बड़ा पार्ट प्ले करती हैं। और मेरा हमेशा से ये मानना है कि एजुकेशन देश के निर्माण का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है।